हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिवानी त्यागी, टीजीटी कंप्यूटर्स। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे गूगल के एक ऐसे ऐप के बारे में जिसे गूगल ने लास्ट ईयर ही इंट्रोड्यूस किया है अगस्त में। और इस ऐप को इंट्रोड्यूस करने का मेन रीजन था कि जो लोग स्लो नेटवर्किंग स्पीड एरिया में रहते हैं, जो लोग ऐसे एरियाज में रहते हैं जहाँ इंटरनेट कनेक्शन बहुत स्लो वर्क करता है, तो उन लोगों को ब्राउजिंग करने में प्रॉब्लम ना हो, तो उनके लिए स्पेशली ये ऐप बनाया गया है। ये एक बहुत ही अच्छा ऐप है ब्राउजिंग के लिए। आप कोई भी चीज़ सर्च करना चाहते हो, कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च करना चाहते हो, तो उसके लिए इस ऐप को आप यूज़ करोगे तो आप गूगल के नेटिव ऐप जो है, पुराना जो ऐप है, उसको भूल जाओगे। ये एक ऐसा ऐप है जो कि बहुत फास्टर है, बहुत फास्टर काम करता है और लाइट वेट भी है एज़ कम्पेयर टू अदर ऐप। इसका टोटल साइज 7.41 MB है और इसका लेआउट भी बहुत ही सिंपल है। इसके अलावा ये बहुत लेस स्टोरेज यूज़ करता है, बहुत कम मेमोरी यूज़ करता है और आपके फ़ोन को फास्ट रखने में हेल्प करता है, फास्टली ब्राउजिंग करने में हेल्प करता है। तो इस ऐप को हम कैसे यूज़ करते हैं, किस तरीके से इस ऐप के साथ में काम करेंगे, ये मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। सो लेट्स वॉच द वीडियो। गूगल गो ऐप को डाउनलोड करने के लिए हम लोग प्ले स्टोर पे जाएंगे और प्ले स्टोर में जाके हम गूगल गो ऐप डाउनलोड कर लेंगे। तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे गूगल गो और इसके बाद हमें इंस्टॉल पे क्लिक करना है। ये हमारा डाउनलोड होना शुरू हो चुका है। ये बहुत स्मॉलर है साइज़ में और बहुत फास्टर ऐप है, तो आप इसको बहुत ही कम टाइम में डाउनलोड कर पाएंगे। आप देख रहे हैं ये डाउनलोड हो भी गया है। 7.41 MB टोटल इसका साइज़ है और ये ऐप डाउनलोड हो चुका है। हम ओपन पे क्लिक करके इसको यहाँ से ओपन कर लेंगे और अभी आप देख रहे हो सबसे पहले जो आपके सामने इंटरफेस आ रहा है, इसमें आपसे ये लैंग्वेज चूज़ करने के लिए बोल रहा है। आप इसे बहुत सारी लैंग्वेजेस में ऑपरेट कर सकते हो, आप जिस भी लैंग्वेज में चाहोगे ऑपरेट करो, लेकिन कीबोर्ड जो है वो आपका सेम ही रहेगा, यानी कि कीबोर्ड जो आपका यहाँ डिस्प्ले में दिखाई दे रहा है आपको ऐसा ही रहेगा। आप बाकी इसको किसी भी लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हो। हम अगर चाहते हैं इसे इंग्लिश में यूज़ करना तो इंग्लिश में यूज़ कर सकते हैं, हिंदी में यूज़ करना चाहें तो हिंदी में यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर चूज़ कर लेंगे लैंग्वेज और लैंग्वेज चूज़ करने के बाद हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम लैंग्वेज चूज़ कर लेंगे, आप गूगल गो आपसे परमिशन मांगेगा आपकी डिवाइस के लोकेशन को एक्सेस करने के लिए, तो हम इसको अलाउ कर देंगे। अलाउ करने के बाद में आप गूगल गो का जो फर्स्ट लुक है वो आपके सामने आ चुका है। यहाँ पे क्या है आपके सामने, सबसे पहले आप देख रहे हो ये ऊपर ही टॉप पे आपको खोजे का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ये खोजे क्या है, ये एक सर्च है, सर्च ऑप्शन है जिसके थ्रू आप अपनी किसी भी सर्च को यहाँ से कर सकते हो। तो सर्च के लिए हमें यहाँ पर क्लिक करना है और उसके बाद जो भी टॉपिक हम सर्च करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर टाइप करना है। आप उसको बोल के भी टाइप कर सकते हो और ऊपर जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे टॉपिक्स, ये टॉपिक्स ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं, जो ज़्यादातर लोग अभी इस वक्त सर्च कर रहे हैं ये वो टॉपिक्स हैं। तो ये आप ये भी चेक कर सकते हो यहाँ से। तो यहाँ बोल के, लिख के कोई भी टॉपिक सर्च कर सकते हैं। सपोज़ मैं यहाँ पर एक टॉपिक सर्च कर देती हूँ अपने चैनल के बारे में, शिवानी आई टेक, और मैंने गो पे क्लिक किया। अभी जैसे ही मैंने गो पे क्लिक किया, आपको टॉप पे यहाँ पे मेरा ये चैनल दिखाई दे रहा है। इस पे जस्ट मैं क्लिक कर देती हूँ और ये मेरे चैनल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल गई है। तो अभी मैं गूगल गो के थ्रू यहाँ पे बोल के कुछ सर्च करने वाली हूँ, तो मैं यहाँ पे इस माइक पे क्लिक करूँगी। गूगल गो क्या है? टुडे माई इंडिया के अनुसार गूगल गो एक एप्लीकेशन है जिसमें आपको कुछ ऐसे फीचर्स मिलते हैं जिसका उपयोग कर अपने काम को बेहद आसान बना सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हो ये आपको गूगल गो के बारे में बता रहा है। तो इस तरीके से हम किसी भी टॉपिक के बारे में गूगल गो से पूछ सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर बढ़ते हैं। हमने खोजी और बोलकर खोजी ये दोनों ऑप्शंस कर लिए हैं। आप सपोज़ मुझे लगता है कि मैं हिंदी लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ और मुझे इंग्लिश लैंग्वेज के साथ में काम करना है, तो मैं अपनी लैंग्वेज वापस चेंज कैसे कर सकती हूँ, उसके लिए मुझे कौन से ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, उसके लिए मुझे यहाँ पर सेटिंग्स पर क्लिक करना होगा। सेटिंग्स में मैं जैसे ही क्लिक करूँगी आपको यहाँ पर भाषाएँ का एक ऑप्शन मिलेगा जिसमें आप भाषा चुने वाली ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैं अपनी कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकती हूँ, कोई भी लैंग्वेज चेंज कर सकती हूँ। अगर मुझे इंग्लिश में काम बात करनी है, आगे इंग्लिश में ऑपरेट करना है, तो मैं अंग्रेज़ी यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगी और आप देख रहे हो मेरी लैंग्वेज जो है वो चेंज हो चुकी है। अब यहाँ पर मैं अगेन वॉइस सर्च यूज़ कर रही हूँ। वॉट
is Google Go? According to Wikipedia, Go is a statically typed, compiled programming language designed at Google by Robert Griesmer, Rob Pike and Ken Thompson. तो आप यहाँ देख पा रहे हो, अब हम सर्च जो है इंग्लिश में कर पा रहे हैं. इसी तरीके से हम यहाँ पे लिख के भी सर्च कर सकते हैं. जैसे सपोज मैं यहाँ पर लिख देती हूँ what is Google Go. आप देख पा रहे हो यहाँ पे Google Go से रिलेटेड कुछ सर्चेज आ गई हैं. मैं यहाँ पर कोई भी एक सेलेक्ट करके उसको ओपन कर लेती हूँ. मैंने ये ओपन कर लिया है. अब मेरे को अगर इसको सुनना है, मेरे को इसको पढ़ने की बजाय से सुनना है, तो मेरे को यहाँ नीचे एक प्ले का बटन दिखाई दे रहा है. इस बटन पे जस्ट मैं क्लिक करूँगी और Google Go मुझे Google Go app, how is it different from the Mind Google app? पढ़कर सुना रहा है. Published by NDTV Gadgets 360. At the Google for India 2017 event in New Delhi on Tuesday, the search giant released the Google Go app, a streamlined version of the original Google app. अब अगर मुझे इसे पॉज करना है, मैं इस बटन पे वापस क्लिक कर दूंगी और मेरा ये पॉज हो जाएगा. इस तरीके से आप Google Go से अपनी सर्च को बहुत इंटरेस्टिंग बना सकते हो. इसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं. गूगल को हमें एक गूगल की एक और सर्विस यहीं पर प्रोवाइड करता है. दैट सर्विस इज़ गूगल लेंस. यहाँ पे हम इसको कैमरा ट्रांसलेट की तरह से यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है माइक के बराबर में ही, माइक्रोफोन के बराबर में ही. ये आपको यहाँ से भी खोल सकते हो आप इस ऑप्शन को, या फिर कैमरा ट्रांसलेट यहाँ से आप इसको ओपन कर सकते हैं. मैंने इसको ओपन किया तो अभी यहाँ पे गूगल लेंस हमारे लिए क्या फ़ायदा करता है. गूगल लेंस एक इस तरह का ऐप है जो किसी भी टेक्स्ट को खोजता है, किसी भी टेक्स्ट को खोज के उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. यहाँ से हमें अपनी पिक्चर जिसके बारे में हमें सर्च करना है, जिस भी पिक्चर के बारे में हमें जानना है कि वो पिक्चर यहाँ से लेना होगा. हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और तो यहाँ पे हम अपना ये डॉक्यूमेंट जिसके बारे में हम समझना चाहते हैं, जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं, जिसे हम पिक्चर की फॉर्म में जो हमारे पास में है उसे यूज़ करना, उसे समझना चाहते हैं, तो उसे हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं. मैंने यहाँ पे ये सेलेक्ट कर लिया है. अब आप देख रहे हो ये आपका आ चुका है डॉक्यूमेंट यहाँ पे. तो अब आप इस डॉक्यूमेंट में जो कुछ भी है उसको सुनना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे लिसन पे क्लिक करेंगे. Four. Most convenient method. Verbal communication is the most widely adopted. अगर आपको लगता है कि आप इसको ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो आप ट्रांसलेट बटन पे क्लिक करेंगे. ये अब आपको किस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है, इस लैंग्वेज को आपको यहाँ थ्री डॉट्स से सेलेक्ट करना होगा. मैं इन थ्री डॉट्स पे क्लिक करूँगी और यहाँ चेंज ट्रांसलेशन लैंग्वेज में क्लिक करूँगी. और अगर सपोज मुझे इसे हिंदी में ट्रांसलेट करना है तो मैं यहाँ से हिंदी सेलेक्ट कर दूँगी. और यहाँ पे अब हमारा ये जो डॉक्यूमेंट है आपका हिंदी में ट्रांसलेट हो जाएगा. इस तरीके से आप अपने किसी भी डॉक्यूमेंट की पिक को, अगर आपके पास में किसी भी डॉक्यूमेंट की कोई पिक है, कोई इमेज फॉर्म में आपके पास में है और उसको आप रीड करना चाहते हो, उसके बाद उसे सुनना चाहते हो, उसे ट्रांसलेट करना चाहते हो, तो आप कर सकते हो और उसके बारे में सर्च भी कर सकते हो. तो आप सर्च करने के लिए क्या करेंगे, इन टॉपिक्स के बारे में अगर आप सर्च करना चाहते हो तो आप सर्च पे क्लिक करोगे. टैप ऑन अ वर्ड टू सर्च फॉर इट. जिस भी वर्ड के बारे में आप स्पेसिफिकली सर्च करना चाहते हो आपको वो वर्ड पे टैप करना है. तो मैं यहाँ पर सपोज ये गैर मौखिक वाले वर्ड पे मैं यहाँ पे क्लिक कर देती हूँ और उसके बाद सर्च पे क्लिक करती हूँ. तो इससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन मुझे इस वर्ड के बारे में है वो यहाँ पे गूगल को आपको शो कर देगा. अब इस तरीके से आप कैमरा ट्रांसलेट भी यूज़ कर चुके हैं. कैमरा ट्रांसलेट आप किस तरह से यूज़ करते हैं, इसके बाद हम बात करते हैं डिस्कवर की. डिस्कवर क्या है, और डिस्कवर आपको उन चीज़ों के बारे में बताता है जो आप रिसेंटली सर्च करते रहते हो, आपके इंटरेस्ट वगैरह. जैसे मैंने अभी डिस्कवर पे क्लिक किया तो मेरे जितने इंटरेस्ट वाली चीज़ें हैं जिन्हें मैं रेगुलर सर्च करती रहती हूँ, तो वो मेरे से और उससे रिलेटेड चीज़ें यहाँ पर शो हो गई. तो इस तरीके से डिस्कवर से हम ये कर सकते हैं. इसके बाद बात आती है इमेजेस की. अब हम ये बहुत ही अच्छा फीचर है गूगल गो का और अभी हम इस पर क्लिक कर देते हैं. देखिए इमेजेस क्या है, इमेजेस से आप
अलग अलग टॉपिक की इमेजेस को सर्च कर सकते हो और उन्हें यूज़ भी कर सकते हो। सपोज़ मुझे किसी की बर्थडे विश करनी है और बर्थडे विश करने के लिए यहाँ पे बर्थडे से रिलेटेड अलग विशेज अलग इमेजेस हैं रखी हुई हैं यहाँ पे, तो मैं बर्थडे वाली इमेजेस के लिए बर्थडे वाले सेक्शन पे क्लिक करूँगी और इस तरीके से मुझे यहाँ पे बर्थडे से रिलेटेड बहुत सारी इमेजेस मिल जाएंगी। और मुझे जस्ट अगर कोई भी इमेज अपनी यूज़ करनी है तो मुझे सिर्फ उस इमेज को सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद में शेयर, इसको थोड़ी देर प्रेस करके रखेंगे तो आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, शेयर और डाउनलोड का। आप चाहो तो इसको शेयर कर सकते हो, शेयर आप किसी भी के थ्रू कर सकते हो। आप व्हाट्सएप पे शेयर करना चाहते हो, फेसबुक पे शेयर करना चाहते हो, अपनी स्टोरी पे डालना चाहते हो, प्रोफाइल पे डालना चाहते हो तो शेयर से आप कर सकते हो। और अगर आप सिर्फ डाउनलोड करना चाहते हो आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है, तो इस तरीके से हम डाउनलोड कर सकते हैं। अलाउ पे क्लिक कर देंगे और ये आपकी इमेज डाउनलोड हो जाएगी। तो इस तरीके से हम इमेज डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर हमें नेक्स्ट है हमारा गिफ वाला ऑप्शन GIF, ये मूवेबल आपकी पिक्चर्स होती हैं। मूवेबल पिक्चर्स का मतलब एक शॉर्ट सी क्लिप होती है पिक्चर्स की, जिसे आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपको किसी को ये गिफ्ट सेंड करनी है तो उस आपको टॉपिक वाइज यहाँ पे गिफ्ट्स प्रोवाइड करी गई हैं। आप कोई भी गिफ्ट यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। सपोज आपको गुड मॉर्निंग के लिए गिफ्ट देनी है तो आप यहाँ पे गुड मॉर्निंग वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे और गुड मॉर्निंग से रिलेटेड जितनी गिफ्ट्स होंगी वो सब आपके सामने आ जाएंगी। और यहाँ पे आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो, सेम मेथड है शेयर करने का। सपोज़ मुझे ये ठीक लगा, मैंने ये ले लिया, शेयर और डाउनलोड का ऑप्शन यहाँ पर मिल रहा है आपको। आप शेयर कर सकते हो और डाउनलोड कर सकते हो। इस तरीके से हम गिफ्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। अब बात आती है यूट्यूब की। यूट्यूब आप डायरेक्टली यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। यूट्यूब पे क्लिक करेंगे और ये डायरेक्टली आपका यूट्यूब यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम यहीं से यूट्यूब भी अपना डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं और डाउनलोड्स भी ओपन कर सकते हैं डायरेक्टली आप यहीं से। तो आप अपने डाउनलोड्स को भी आप यहाँ पे गूगल गो पे जितनी भी चीज़ें डाउनलोड करेंगे या फिर आप यहाँ से जाके किसी भी पेज पे विज़िट करके जो डाउनलोड करोगे आप उसे यहाँ से इजीली चेक कर सकते हो डाउनलोड ऑप्शन से। इसके बाद में नीचे जो ऐप्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे ट्रेंडिंग ऐप्स हैं जो कि ज़्यादा पॉपुलर हैं, इस टाइम पे ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। तो वो ऐप्स की लिस्ट आपको यहाँ पे दिखाई देती है। आप इसको राइट साइड स्वाइप करोगे तो आपको यहाँ पर टॉप 10 ऐप्स की लिस्ट प्रोवाइड हो जाएगी। टॉप 10 चाहे तो वो नॉर्मल ऐप्स हैं, चाहे वो सोशल ऐप्स हैं, चाहे वो एंटरटेनमेंट रिलेटेड ऐप्स हैं, या गूगल के अपने कोई ऐप्स हैं, या गेम्स हैं, या स्पोर्ट्स हैं, तो वो सब की लिस्ट आपको यहाँ पे राइट स्वाइप से मिल जाएगी। और इसी तरीके से लेफ़्ट स्वाइप से आपको डिस्कवर का ऑप्शन मिल जाएगा। जो डिस्कवर का ऑप्शन मैं आपको यहाँ से खोल के दिखा चुकी हूँ, यही ऑप्शन आपको लेफ़्ट स्वाइप से मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। एक और चीज़ मैं यहाँ पे बता देती हूँ, आप जैसे सर्च करते हैं, अभी मैंने आपको नॉर्मली कोई सर्च करके दिखाया और मुझे किसी सर्च को यहाँ से डिलीट करना है तो मैं इसको जस्ट सेलेक्ट करूँगी थोड़ा हार्डली प्रेस करके, उसके बाद डिलीट का ऑप्शन आ जाता है, डिलीट पे क्लिक कर दूँगी। तो इस तरीके से मैं अपनी किसी सर्च को डिलीट कर सकती हूँ। और अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा जो सर्चेज़ हैं या फिर मैं जो भी चीज़ सर्च करना चाहती हूँ वो एक ऐसे टैप में खुले जिस टैप की हिस्ट्री सेव ना हो, जैसे आपके पास में जो ऑप्शन है वो ये ऑप्शन है, इस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। तो इस तरह से आप गूगल ऐप को गूगल के गो ऐप को बहुत इजीली यूज़ कर सकते हैं, बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं। और ये बहुत ही फास्टर और स्मार्टर ऐप है, इसे आप डेफिनेटली यूज़ करिए। थैंक यू वेरी मच।